हंगामी बुनियादों पर इनकी सेहत को ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता? सर जी, किया जा सकता है। अगर अवेलेबिलिटी मेडिकल स्टोरों से और नशा जहाँ से मिलता है वो रुक जाए तो इनका इनको के तौर पर मौजूदा हुकूमत और मौजूदा सीएम साहब इनको जो है वो तंदुरुस्त शहरी नहीं बनवा सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। ये कितना मसला है? देखिए, ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जो नई हुकूमत, देखिए पिछली हुकूमत ने तो ट्रीटमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया, ना सप्लाई रिडक्शन के लिए, ना प्रिवेंशन के लिए। हम सारी ना अभी इनका साहब है, ये क्या करते हैं, ये पिछली हुकूमत ने क्या किया, हमें ये सब बात का नहीं, हमें तो बस अपनी तंदुरुस्ती का निजाम देखना चाहिए। हमें सुनेंगे बाकी इनको, ये मंथली जाती है सबके पास ऊपर से, लेकिन नीचे तक सब मंथली जाती है। मैं आवाम हूँ, बेरा गर्क हो इस तरह हुकूमत का, जिसने आके सारा बेरा गर्क कर दिया है, पाकिस्तान की मशीन का बेरा गर्क कर दिया है। ये क्या ड्रामे गिरी है, सब ड्रामे गिरी है। पिछले को मैंने क्या पिछले जहाँ पे खड़े हैं किसने किया है, उसी ने किया है। ये जहाँ पे खड़े हैं ना, जहाँ पे खड़े हैं ये उसी ने किया है। ये सब मुनाफ़त है, ये सब ढोंग है, ड्रामे है। इंशाल्लाह तआला कुछ अर्से पर आपको पता लग जाएगा जो ड्रामा था ना, वो ड्रामा खरीद हो जाएगा। पाकिस्तान की मीशत का ड्रामा था रुकवाने का, सारे सारे के सारे इदारे मुलवस हैं। मेहरबानी आपकी सर। ये दो चार दिन पहले मैं आप एक मेडिकल स्टोर पे जाएं, आपको सब कुछ मेडिकल मिलेगा। अगर आपके पास अथॉरिटी है ना, जाएं एक मेडिकल स्टोर के ऊपर, आपको पता लगे ये बेचारे जो माओ के लाल बिगड़े हुए ना, जो बगैरा गर्क हुए उनका, मेरा भाई है क्या, किस किस को बोलेंगे, किस किस को बोलेंगे आप? सबसे पहले आप ऊपर से लेकिन नीचे तक जितने, बहुत शुक्रिया, क्या करेगा? बहुत शुक्रिया। भाई जान, मेरी बेगम जो बुर्जी हॉस्पिटल है सरैया अजीम, उधर एडमिट थी दो तीन दिन पहले, तो मैं उधर उनका ना इलाज करवा रहा था, और चौथे फ्लोर पे मैं था, और नीचे मैं देख रहा हूँ एक नशाई सरे आम यानी कि नशा बेच रहा है, और उनके पीछे जो है ना पुलिस वालों का हाथ है। ठीक है, अभी भी आप चबुर्जी का सर्वे करें, उधर सौ की तादाद में नशाई बैठे हुए हैं, ठीक है, और उनके पीछे पुलिस का हाथ होता है, तो उसके ना कोई पकड़ है, पुलिस वाले देख के तो अनसुनी करके इधर मुँह करके जा रहे हैं। इनको गवर्नमेंट को ये इल्तजा है कि वो इनको रोकथाम करे और पाकिस्तानी शहरियों को सेफ करें। बहुत शुक्रिया। डमी सीएम जो है, ये उंगलियों के ऊपर नाचने वाला डमी सीएम क्या कर रहा है? ये शहबाज शरीफ का मुकाबला करने के लिए माई का लाल चाहिए। ये शहबाज शरीफ की वजह से यहाँ तक पहुंचे? ना 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 ना, शहबाज कब से नशा कर रहे हो? दो तीन साल किसकी हुकूमत थी? दो तीन साल पहले। आप कब से कर रहे हैं नशा जी? नशा कब कब से कर रहे हैं? इधर कितने लोग हैं बाकी? हाँ जी, नशा कब से कर रहे हैं? सर मुझे 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल पहले बुजुर्ग की हुकूमत थी? नहीं नहीं, बस कर दे यार, बात आपको बता रहे हैं के सूरतल आप कब से कर रहे हैं? ना ना, मैंने तो बोलना ही नहीं आपके आगे, मुझे पता है आप बहुत। ये सूरतल जी, यहाँ हालात बिगड़ चुके हैं। चबुर्जी का सर्वे जरूर करिएगा, चबुर्जी का सर्वे करें, उधर इतनी इंतहाई तादाद में ये बैठे हैं लोग, और इनके पीछे पुलिस वालों का हाथ है। बस मैं कोई हुकूमत के खिलाफ नहीं बात कर रहा, ये देखें जी, ये आप सूरतल देख सकते हैं, कितना मसला है, कितना मसला है। हुकूमत चैलेंजिंग टास्क नहीं ले सकती, और इन चंद ये मैक्सिमम हजारों लोग होंगे, मैक्सिमम 1000-1500 हो गए। मेरा ये ख्याल है कि बेड्स भी मौजूद हैं अस्पतालों में, सहूलतें भी मौजूद हैं, 100 बेडों का वार्ड नया भी बन रहा है, 1800 बेड का हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल पूरा, अगर आप हॉस्पिटल की बेड स्ट्रेंथ देखें तो 1800, ये टोटल पता नहीं कितने लाहौर में कितने होंगे, 2000 होंगे। यार मुझे नहीं नहीं फाद साहब, मुझे एक हंसी आती है बाहर लोगों पे, हमारे डॉक्टर साहब पे भी, डॉक्टर साहब वो मेंटल हॉस्पिटल के तो मैं भेजने वाला कितने पेशेंट हूँ, आज पेशेंट को एडमिट कराया, रात को अगले दिन कहते हैं चले जाओ। सर सवाल ये है, नहीं देखे वो सर? नहीं 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 सर, मेरी बात सुने, 7-8 साल हो गए इस बिल्डिंग को तैयार होते, अभी तक वो फाल ही नहीं हो सकी। चीफ जस्टिस साहब भी गए हैं, कहाँ का 30 बेड उनके पास है, पेशेंट जेल लेके जाते हैं, अगले दिन पेशेंट को खुद स्टाफ और डॉक्टर कह देते यार यहाँ इलाज नहीं होगा। ये बातें वो की जाएँ जो इनके लिए कारामद और नफीस साबित हो। मैं भेजता हूँ पेशेंट को, उसमें इनकी फैमिलीज की और बाकी लोगों की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। रिहेबिलिटेशन एक प्रॉपर प्रोसेस है, जो शुरू का इलाज है 15 दिन का, वो तो डिटॉक्सिफाई करने की हद तक है, बाद में ये फिर इसी तरह सड़कों पे आ जाते हैं और फिर इसी तरह लेट जाते हैं। उसके अलावा भी इन्हें बहुत सारे मसाइल हैं, और हर बंदा इनमें से जाके मेडिकल स्टोर से टीके खरीद रहा है, जो क्रैकडाउन ऑलरेडी पता नहीं ड्रग इंस्पेक्टर्स क्या कर रहे हैं, कुछ किया भी है उन्होंने क्रैकडाउन, मगर ये कि मजीद की ज़रूरत है। जब तक आपके टीके ये खुद खरीद सकते हैं स्टोरों से जाके, मैं खरीद सकता हूँ, आप खरीद सकते हैं, तो यही कुछ होता रहेगा। पाकिस्तान में प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन तो है नहीं ना, यहाँ पे प्रॉपर तो नहीं है ना, यहाँ पे नहीं रही, लाहौर में तो कम नहीं हो रही। आप पहले 15 दिन का सर देखें, नहीं नहीं
पास ही नहीं आना चाहते, जो लगे हुए हैं वो उसी काम पे लगे हुए हैं। आप उन्हें एक दफा इलाज कर भी देंगे वो छह महीने बाद फिर शुरू हो जाए। सर उनका इलाज क्या है, बंद कमरे में वो इतने हॉल में बंद कर देते, 70 बंदे बंद है, दोपहर को एक दफा खाना। अमर चिश्ती की पिक्चर पेश कर रहे हैं, मुझे पता है। डंडों से मार करना, कमरे में बंद किया जाए हालात में। अमर चिश्ती हॉस्पिटल से आप थे सर, ऑलमोस्ट हर किसी, आप देख रहे हैं ना ये बंद कर रहे हैं इदारे, क्यों बंद कर रहे हैं, के अंदर जुल्म हो रहा है, किसी को कोई प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जा रही, जुल्म हो रहा है उनके साथ, क्यों हो रहा है कि यहाँ पे कोई प्रॉपर डिफॉर्मेशन नहीं है, ये समझना चाहिए। देखें अगर चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो लिया है ना, अगर कमीशन बनता है, कोई कमेटी बनती है, पहले मैं कहूँगा वो बंदे इसमें शामिल हो जो एक्सपर्ट हैं, नॉन एक्सपर्ट कोई बंदा उस कमेटी में शामिल ना किया जाए। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए, देखें 30 साल तो हमें समझाते होंगे हर एक को कि यार पहले ये बीमारी समझिए, ये बीमारी है क्या, ये ज़हनी बीमारी है, लंबे अरसे रहने वाली है, मैनेजेबल है, क्योरेबल नहीं है। जब आप बीमारी को नहीं समझेंगे, ये बंदा ठीक 15 दिन इलाज नहीं है, इंटरनेशनल जो प्रोटोकॉल है वो 6 महीने इलाज है, 1 साल का काउंसलिंग प्रोग्राम है, वो हम करते कोई नहीं है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिए जो आप हेल्थ कवर करते हैं, हेल्थ अगर सीजे साहब फर्ज करें ऑर्डर करते हैं, फर्ज करें लेट्स सपोज उनका ऑर्डर अगर हो कि इन सब की सेहत जो है वो बचाई जाए, लाहौर में इतने लोगों की सेहत को खतरा है और वो मर जाएंगे, तो ये क्या कैपेसिटी नहीं हम लोग रखते कि इनको बचा सकें महकमा हेल्थ और नारकोटिक्स मिलकर? मैं समझता हूँ इनको बचाया जा सकता है हंगामी बुनियादों पर, लेकिन सबसे पहले एक तो जहाँ से इंजेक्शन मिलते हैं, शेड्यूल जी का क्या इशू था सबको नहीं पता, उधर बम धमाका क्यों हुआ था? शेड्यूल जी है कि आम डिस्पेंसर और बी कैटेगरी का मेडिकल स्टोर ये हसास अदवियात नहीं फरोख्त कर सकता। आप वहाँ साहब बताएं कि बड़े मेडिकल स्टोरों चेनों पर आपको ये इंजेक्शन मिलता है, ये नशे ही जाके लेके दिखाएं, नहीं मिलेगा। ये वो मेडिकल स्टोर है जो डिस्पेंसर थे बी कैटेगरी हैं, इन पे पाबंदी क्यों लगाई गई थी कि आप जो है ना ये हसास अदवियात नहीं फरोख्त कर सकते, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे पाबंदी लगाएं कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बगैर किसी किस्म की मेडिसिन नहीं मिलेगी। बताएं कौन सा मेडिकल स्टोर है, कौन सा MBBS डॉक्टर है जो नशेई को एक इंजेक्शन लिख के देगा कि जाओ इस प्रिस्क्रिप्शन पे ले आएगा? अब हंगामी तौर पे चीफ जस्टिस साहब किस तरह बचा सकते हैं? अब देखिए 100 बेड का हॉस्पिटल रुका पड़ा है, मेंटल हॉस्पिटल 1800 बेड का है, उसके अंदर इतनी फिक्र है हमारी हुकूमत को, 1800 बेड में 30 बेड सिर्फ नशेइयों के लिए हैं, 30 बेड सिर्फ नशेइयों के लिए हैं। उनको क्या करते हैं, 15 दिन एक बंदे को रखते हैं, निकाल देते हैं 15 दिन। कोई बंदा मैं नहीं समझता कि सरकारी मेंटल हॉस्पिटल से अगर वो दाखिल हो और वो सेहत याब होकर बाहर निकले 10 दिन बाद 15 दिन बाद फिर उसका वही हाल होगा, क्योंकि आप इंटरनेशनल शासक कहते हैं कि प्रोटोकॉल के मुताबिक आप इलाज कर ही नहीं रहे। जब तक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के मुताबिक आप इलाज नहीं करेंगे उसका इलाज कैसे होगा? आपको पूरी आसानी से मिल जाती है यहाँ से? जी आसानी से तो नहीं मिलती, थोड़ा खज्जल होना पड़ता है, कोई आ जाए बाहर से ही आते हैं लड़के दे जाते हैं इधर। पुलिस को नहीं पता? पुलिस को भी पता होता है वैसे तो, सारा कुछ पता है तो बिकती है, वैसे तो नहीं बिकती है। कितनी देर हो गई आपको नशा करते? 2-3 साल हो गए अदरवाइज। 2-3 साल हो गए आप नशा छोड़ना चाहते हैं? जी मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं तो काफ़ी अरसे से मैं कह रहा हूँ कोई दाखिल करवाने वाला हो तो मैं खुद दाखिल हो जाता हूँ। जी लगाते हैं। टीके कहाँ से लेते हैं यहाँ पे आप? टीके कहाँ से लेते हैं यहाँ से? इधर से ही मिल मुल जाते हैं भाई जान। स्टोर से लेते होंगे, 1-2 मेडिकल स्टोर हैं हर इलाके में जो बेच रहे हैं, कर लेते हैं लड़के लड़के एक दूसरे को 10-20 दे देते हैं, हम वापिस से ले लेते हैं, हमें ये नहीं पता मेन जगह तो हमें नहीं ना पता वो किधर से ले के आते हैं, हम तो इधर से ही ले लेते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? सेहत ठीक है आपकी? सेल नहीं कर रहा? इधर का ही, इधर का ही। सेल नहीं कर रहा भाई, वो मेरे से मांग रहा था। इंजेक्शन लेके आपसे देंगे क्या? नहीं मांग रहा था मेरे से। मांग रहा है आपसे तो आपने दी क्यों नहीं? इसे आप चाहिए। अच्छा तो नशा इधर लेके जाते हैं आपको? ये सारा रिक्शे पे आते हैं, कितने ही बेच बूझ के चले जाते हैं रक्षों पे आते। क्या नाम है आपका? मेरा इरफान। इरफान, इरफान कब से ये नशा कर रहे हैं आप? ये हो गए 3-4 साल हो गए। आप नशा छोड़ना चाहते हैं? छोड़ना तो चाहते हैं, क्या करें। इलाज के लिए गए कभी हॉस्पिटल किसी? गए हैं हॉस्पिटल, वो दाखिल ही नहीं करते, पता नहीं क्या क्या मांगते हैं, भगा देते हैं, गोलियाँ दे देते हैं। आपकी फैमिली किधर है, माँ बाप किधर है? वालदा है सिर्फ, वालद साहब नहीं। वालद साहब नहीं? अच्छा, इस सारी सूरत हाल में फिर कैसे जीते हैं आप, क्या करते हैं, क्या खाना कहाँ से खाते हैं? बांट के जाते हैं, बांटने वाले दे के जाते हैं, इधर काफी लोग हैं जो उनसे इधर खाना वगैरह भी दे के जाते हैं। अच्छा, कपड़े वगैरह भी दे देते हैं फरोख्त करने रिक्शे पे, तो सारे एकदम जमा हो जाते हैं, लोग देखते नहीं जब वो फरोख्त करते हैं आपको, पैसे लेते हैं।
एक्सचेंज करते हैं। सारे देखते हैं इधर, लेकिन कोई भी नहीं मना करने वाला, सारे देखते हैं इधर, कोई चक्कर नहीं है। पुलिस वाले जो है ना, पुलिस वालों को हमने खुद देखा है, ये नशेई बंदे जो है इनके इनके सामने आकर ना हाथ में लाते हैं, भगवान जी की हाल है, हमने खुद ये देखा है। पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले आगे कहते हैं कि भगवान जी की हाल है, इनको ये सप्लाई देते हैं, वर्दी में होते हैं ये, राहल पारे के अंदर इन सब नशियों को पता है, राहल पारे के अंदर आते हैं पुलिस वर्दी में, इनको ये दे के जाते हैं, उसके बाद शाम को या दो घंटे बाद आते हैं, इनसे ये पेमेंट बाकी लेके जाते हैं। और फर्ज करें अगर 100 नशई है ना, 100 में से 2-4 ऐसे नशई है रखे हुए उन्होंने को जो समझ लेके आल इन वो बिजनेस करते हैं इनका, बाकी जो 2-3 होते हैं वो खरीद के इनको तकसीम करते हैं। तो पुलिस, और सबसे बड़ी बात ये है कि SSB का दफ्तर, DIG का दफ्तर, CIA किला गुजर सिंह का दफ्तर इतना करीब होने के बावजूद, मीडिया चैनल बिल्कुल करीब है सारे ही, इतना करीब होने के बावजूद पुलिस नहीं भेजते, पुलिस वाले नहीं भेजते, मुझे इतनी देर हो गई मैंने नहीं देखा आज तक। इसका मतलब ये है कि SSP या DIG किला गुजर सिंह CIA स्टाफ है, वैसे हम उधर से गुजरे ना तो रास्ता नहीं होता, इतनी चेकिंग करते हैं, तो आया ये बंदे जो उनके अंदर से लेके आते हैं, अंदर से नहीं लाते, उनको तो पता है मंथलियां जा रही हैं, कोई सर रोकने वाला नहीं है, ये अब का टाइम नहीं, अब ये नई बात नहीं है। मैं इधर रायल पार्क होता हूँ तकरीबन 15 साल से मैं देख रहा हूँ जी, सर पुलिस करा नहीं रही, पुलिस दे के जा रही है, और ये सही आपको बताएंगे कि पुलिस वाले आते हैं सलाम करते हैं और बकायदा ऐसे मिलते हैं भगवान जी की हाल है कि जैसे इनके साथ दोस्ती रिश्तेदारी है। कैसे बेहतरी आ सकती है उस्ताद जी, क्या किया जाए इनका प्रॉपर इलाज किया जाए जनाब, सबसे पहला इलाज मेडिकल टेबल के मुताबिक किया जाए ना, डंडों के साथ इलाज ना किया जाए। राइट बोल रहे हैं, डंडों के साथ इलाज करेंगे तो ये बिगड़े। आप लोगों में से आमिर चिश्ती कौन रहा है, कोई रहा है? नहीं मैं तो नहीं, मैं फर्स्ट टाइम के लिए डंडे खाने के लिए वहाँ का कौन जाता है, आप पहले गए? देखा है मैंने, हालात बताते हैं उधर तो लोटों के साथ पानी पिलाते हैं, ठीक है नहाते हैं वैसे, ठीक है वो तो बंद अब कर दिया, उसका मालिक भी जेल में है। बंद, हाँ जी जी बंद कर दिया, हमें पता है वो डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल, बकाया हम भी सारे इधर चाहते हैं, जोन जोन से चाहते हैं, जिनके माँ बाप नहीं, मेरे खुद माँ बाप नहीं है, ठीक है माँ बाप मेरे खुद फोत हो गए, मैं खुद चाहता हूँ मैं दाखिल। बिलिंग वेज है जो प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव बहुत है, बिल्कुल नशे में ये दिखाएं और टोन चल रही है, उतर रहे थे भाई, मैं अक्सर यहाँ से गुजरता हूँ, मेरा गुजर होता है, इसमें इजाफा ही हो रहा है इस मामलात में ना, एक दो दफा पुलिस वालों को भी रोका गया, मैंने कहा यार इनको रोकते क्यों नहीं, वो कहने लगे भाई हम इनको नहीं छेड़ सकते, ये खुद को ब्लेड मारना शुरू कर देते हैं, एक दफ़ा मैंने एक पकड़ा था तो बड़ी मुश्किल मैंने इन लोगों से जान छुड़वाई, तो लिहाजा यार इनको कंट्रोल किया जाए, नई नस्ल को ये ले रहे हैं बच्चे, और रोज़ औरतें बल्कि बीच में देखी जा रही हैं, तो अपील है हमारी भाई गवर्नमेंट से कि इसको ठीक किया जाए, इस सिलसिले को जो भी है।